तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि ग्राइंडर जो इसके ऊपर की शीट है, फाइबर शीट, वो कैसे आप कट कर सकते हैं अपने घर पे ही। उसके लिए आपके पास एक कटर मशीन होनी चाहिए, ग्राइंडर बोलते हैं जिसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये शीट फाइबर शीट है, जिसकी लेंथ अभी हमारे पास 12x5 फुट की लेंथ है। और यहाँ पर है मिस्टर आसिफ, ये जैसा देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस शीट को कट कर सकते हैं अपने घर पे अपने आप। फाइबर शीट को कट करना बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जो हमारे पास जितने भी ये बार है, इसको हमने सीधा लेंथ वाइज मार्क कर लिया है। जो बीच की पट्टी होगी वो साइड में लगाने के लिए यूज़ हो जाएगी। और आप अगर आप भागपत के आसपास रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं, तो आप आसिफ खान से भी संपर्क कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 10-12 साल तक कहीं नहीं जाएगी। और ऐसी इसमें ऐसी कैसी रहेगी? ऊपर पेंट मार दो। किस पे पेंट मार दें? अच्छा, फाइबर शीट पे पेंट हो जाएगा। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है जो मिस्टर आसिफ ने बताई है कि इसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। जैसे बारिश में हवा में खराबी आ जाना ऊपर से, वो सही हो जाना। अच्छा, दिक्कत नहीं आती फिर, इतनी साल होगी और कीमत बढ़ जाएगी इसकी। मतलब इस फाइबर के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं? अच्छा, इस पर और कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, जैसा आप चार्ज आएगी वैसा चार्ज आएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।